आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन जिसके 73 ग्राम प्रति लीटर में घुले हुए हैं का कितना आयतन 0.46 ग्राम धात्विक सोडियम की क्रिया जल पर कराने से प्राप्त NaOH विलयन को पूर्णतः उदासीन करने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्रिया करा रहे हैं किसके किसके बीच में, HCl और NaOH के बीच में। ठीक है, तो ये उदासीनीकरण के पश्चात NaCl तथा जल देगा, ये हम लोगों को पता है, लेकिन इसकी सांद्रता सीधे हम लोगों को नहीं दी गई है, हम लोगों को सांद्रता ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग निकालें NaOH की सांद्रता। ठीक है, NaOH की सांद्रता, तो NaOH कैसे हम लोगों को मिल रहा है, तो बोला गया है कि धात्विक सोडियम हम लोग ले रहे हैं, यानी कि सोडियम हम लोग लिए और इसकी क्रिया हम लोग जल से करा रहे हैं। ठीक है, तो जल से कराने के पश्चात क्या मिलेगा हम लोगों को, NaOH मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अब यही NaOH इस क्रिया में लग रहा है, इसका द्रव्यमान हम लोगों को दे दिया गया है 0.46। तो हम लोग NaOH पता लगा सकते हैं, अगर जल जितना आवश्यक है हम लोगों को मिल जा रहा है तो इसकी सांद्रता सोडियम के ऊपर निर्भर करेगी, है ना। तो हम लोग निकालें सोडियम के मोलों की संख्या, कि मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, तो दिया गया द्रव्यमान बटा क्या होता है, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर परमाणु भार, वो भी किसमें, तो ग्राम में हम लोगों को लेना होगा। तो 0.46 है और बटे में कितना होता है, तो 23 होता है। देखिए यहाँ पे पहले से ही दे रखा गया है, तो हम लोग आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, बटा 23, यानी कि ये हम लोगों को मिल जाएगा 0.02 मोल। ठीक है, अब 0.02 मोल है तो NaOH की भी मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.02। अतः NaOH के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितना सोडियम का होगा, यानी कि 0.02 मोल। अब देखिए इससे हम लोग क्या उदासीनीकरण करा रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका 73 ग्राम प्रति लीटर में उपस्थित है, तो हम लोग इसकी सांद्रता निकालें, है ना। तो हम लोग लिखें HCl की सांद्रता, तो अब यहां पर हम लोग सांद्रता किस में निकालेंगे, मोलरता में निकालेंगे। मोलरता बराबर क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे में हम लोग क्या लिखते हैं, आयतन। ठीक है, आयतन। अब देखें विलेय के मोलों की संख्या हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पुनः मोलों की संख्या के लिए वही सूत्र, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो 73 ग्राम दिया गया था हम लोगों को 1 लीटर में, तो हम लोग यहां पर निकालें, देखिए दिया गया द्रव्यमान है हम लोगों के पास 73 ग्राम और आणविक द्रव्यमान हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, तो 35.5 हो जाएगा और हाइड्रोजन का कितना होता है, -1 हो जाएगा। और ये हो गया हम लोगों के पास आणविक द्रव्यमान, यानी कि यहाँ से मोल मिल गया, और आयतन हम लोगों को बोला गया है प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर हम लोग ले लेंगे, तो ये हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, जब उदासीनीकरण हुआ होगा तो इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल चाहिए, है ना, क्योंकि ये अभिक्रिया पूरी तरीके से बैलेंस है, है ना। तो यहाँ से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कैसे, तो M1V1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो इसके NaOH के मोलों की संख्या। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए अगर हम लोग
मोलरता को इसको M1 मान ले और आयतन को हम लोग क्या मान ले, V1 मान ले, तो विलेय के मोलों की संख्या यानी कि HCl के मोलों की संख्या बराबर NaOH के मोलों की संख्या होनी चाहिए, है ना। इस वजह से M1 V1 बराबर NaOH की मोलों की संख्या, ये हो गया। अब M1 हम लोगों के पास कितना है, तो M1 का जो मान है वो हम लोगों के पास आ गया था ये, ठीक है। और ये किस में था, तो देखिए इधर हम लोग निकाले थे ये विलेय के मोलों की संख्या यानी कि इसका मात्रक जो था वो क्या था, मोल, और आयतन जो था वो हम लोग लिए थे किस में, लीटर में। तो ये हम लोगों के पास किस में आ गया है, M1 का मान आ गया है। V1 जो है हम लोगों को ज्ञात करना है और NaOH की मोलों की संख्या हम लोग पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं 0.02, ठीक है। तो अब हम लोग सारे मान को रखकर V1 ज्ञात करें, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 73 ग्राम बटा जो है हम लोगों का 35.5 और धन 1, और ये भी किस में था, हम लोगों का ग्राम में था, और गुणे 1 लीटर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को V1 लिखना है, तो V1 लिख दिया जाए जिसको हम लोगों को ज्ञात करना है, बराबर क्या आ जाएगा, 0.02 मोल, ठीक है। अब देखिए ये ग्राम से ग्राम कट के जो हम लोगों का मात्रक आता था वो किस में आता था, वो आता था हम लोगों का मोल में, क्योंकि यहाँ से हम लोग मोल निकालते थे, तो मोल था हम लोगों का और प्रति लीटर था, ठीक है। अब हम लोगों को V1 ज्ञात करना है, तो V1 बराबर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो ये इधर का इधर ही रहने दीजिए, 0.02 मोल, और बटे में क्या आ जाएगा, तो बटे में ये जो हम लोगों के पास है 73, ये आ जाएगा, और इसका भी जो मात्रक था मोल वो भी आ जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा ऊपर, तो इधर हम लोग कर दें क्या, तो ये हो जाएगा 36.5, हमने एक जोड़ दिया, और क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लीटर भी आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसको ज्ञात करें, तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए पहले तो ये मोल से मोल कट जाएगा, जो आयतन आएगा हम लोगों का वो किस में आएगा, लीटर में आएगा, तो 0.02 गुणे अगर हम लोग करते हैं 36.5, तो ये कितना आ जाता है, 0.73 आ जाता है, ठीक है। तो 0.73 और बटे में क्या है हम लोगों के पास 73, और ये किस में आ रहा है, लीटर में आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर ज्ञात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो 0.01 लीटर आ गया, ठीक है। अब अगर हम लोग विकल्पों को देखें, तो विकल्पों में हम लोगों को ml में दिया गया है, मिली में दिया गया है, तो लीटर को हम लोगों को ml में परिवर्तित करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 0.01 लीटर, और क्या हो जाएगा ये, तो हम लोग इसको 1000 से क्या करेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे मिली, और बटा क्या हो जाएगा ये, लीटर, ठीक है। तो यहां से ये लीटर से लीटर कट जाएगा हम लोगों का, कितना आ जाएगा ये, 10 मिली, ठीक है। तो यही हम लोगों का विकल्प में देखना होगा कि 10 ml जो है किस में दिया गया है, तो देखिए पहला विकल्प जो है हम लोगों का 10 ml दिया गया है, और इसी वजह से हम लोग उत्तर क्या लिख देंगे, पहला विकल्प, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।